दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग एक विशेष एपिसोड लेकर के आए हैं जो आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। फ्रेंड्स, हम सब लोग जिस व्यापार में हैं, आपको मालूम है हमारे बिजनेस का यह स्वभाव है कि हम लोगों को स्वस्थ रहने में जितना अधिक मदद करेंगे, उतना ही अधिक हम अपने बिजनेस को और भी ऑथेंटिक और भी बड़ा बना पाते हैं। यानी हमारा बिजनेस ही है लोगों को स्वस्थ रखना, है ना? लेकिन उसके लिए पहले तो हमें लोगों को स्वास्थ्य को जानने की जरूरत होती है। और इस स्वास्थ्य को जानने के लिए जिस क्वेश्चनायर की मदद आज मैं ले रहा हूं, आप भी उस क्वेश्चनायर की मदद से बिना उस इंसान को बताए हुए उसके साथ नॉर्मल बातचीत के क्रम में ही उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारियां उपलब्ध कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से उस कस्टमर के, उस प्रोबेबल कस्टमर के परसोना को समझना, है ना? उसके इर्द गिर्द के, उसके नेचर को समझना, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है उसको समझना, वो आगे क्या चाहता है वो समझना, और साथ में वो किस किस बीमारी से परेशान है ये समझना। तो आइए, मेरे साथ मौजूद हैं इस रोल प्ले को करने में मदद करने के लिए हमारे डायमंड लीडर ओम प्रकाश सर, जो आज आपको बिल्कुल ही एक नए अवतार में दिखेंगे, जो बिल्कुल अलग आपको दिखेंगे। सर, नमस्कार। इस रोल प्ले से लोगों को क्या फायदा होगा पहले ये बता दीजिए, 1 मिनट में फिर हम आते हैं क्वेश्चन आए। देखिए, बदलते हुए परिवेश में, जैसा हम लोग जानते हैं कि यह बिजनेस समय के साथ और बदलते हुए आर्थिक सामाजिक परिवेश के साथ बदल गया है, और इस बदले हुए परिवेश में अब प्रोडक्ट नहीं सॉल्यूशन और लाइफ स्पैन नहीं हेल्थ स्पैन का कॉन्सेप्ट आया है। कि आप कितने दिन जिंदा रहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने दिन स्वस्थ रहते हैं ये महत्वपूर्ण है, और प्रोडक्ट नहीं सॉल्यूशन देना है। तो इस क्वेश्चनायर से आप ये समझ पाइएगा कि बातचीत को कैसे इनिशिएट किया जा सकता है, इसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन को पेच कर सकते हैं। ग्रेट, तो अब मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप भी जिससे बात करेंगे आप उसको पहले से जान रहे होंगे, तो कुछ बेसिक जानकारियाँ तो उसके बारे में आपको होंगी ही। जैसे मैं अभी ओम प्रकाश सर से बात करने जा रहा हूँ, तो मुझे यह मालूम है कि ओम प्रकाश सर एक पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं और इनका बहुत ही लंबा सर्विस का ये रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ों को समझने के लिए मैं इस क्वेश्चनायर की मदद लेता हूँ। तो अब स्टार्ट होता है रोल प्ले। सर, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब भी आपसे मिलता हूँ। हाँ, इधर कुछ दिन हुए, और चूंकि सर्विस में भी व्यस्तता रहती थी, फिर कुछ और काम में लगा हुआ था, इसलिए बहुत दिन से मुलाकात आपसे नहीं हो पाई थी। सर 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 ऑलमोस्ट अब आप रिटायर हो गए हैं, तो अब जो जीवन आप बिता रहे हैं, पीछे मुड़ करके जब आप देखते होंगे, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसपे आप गर्व बहुत महसूस करते हैं, तो हाँ ऐसी कौन बिल्कुल। सी चीजें हैं सर? आपसे सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इंस्पायर्ड होऊंगा मैं भी। हाँ नहीं, बिल्कुल। जीवन एक यात्रा है, और उस यात्रा में मेरी नौकरी बहुत सारे महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरी, और मुझे बिल्कुल, मैं गौरवान्वित हूँ कि इस नौकरी में रहा, और इस नौकरी के में रहते हुए तमाम भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न पोस्टिंग के दरमियान रहने का मौका लगा, लोगों को समझने का मौका मिला, लोगों को मदद करने का भी मौका मिला। और मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि प्रशासनिक तौर पर जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो अपनी समस्या लेकर के ही आता है, क्योंकि हम लोगों की नौकरी ऐसी है कि हम लोगों से यही अपेक्षा की जाती है, अलग अलग मुकाम, अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो विधि व्यवस्था हो, लैंड रेवेन्यू हो, इलेक्शन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, उन चीज़ों में बहुत लोग आते थे, मिलते थे। तो सरकारी नियम कानून के दायरे में तो जो उसको मदद कर सकते थे वो हमारा दायित्व भी था, उसको करते ही थे। लेकिन एक हमेशा हम ह्यूमन फेस को लेकर के चले कि मेरा एक ह्यूमन फेस भी रहे। ऑफिसर के रूप में तो लोग जो जाने सो जाने ही, लेकिन एक इंसान के रूप में भी जाने, तो उसको लेकर के बहुत संतोष का भाव है कि इतने दिन सरकारी नौकरी में और देश के सर्वोच्च नौकरी में हम रहे और राज्य के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे, तो संतोष का भाव है मेरे साथ। आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए, हाँ इससे आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल। ये है। राइट, करेक्ट सर। सर, एक सवाल जो मैं ये पूछना चाहूँगा जरूर आपसे इसी बातचीत के क्रम में, कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप पीछे मुड़ करके बदलना चाहते हो? बेशक बदलने का दो तीन चीज लगता या है उसको कि और बेहतर करना चाहते हो? हाँ, मतलब अगर कोई लाइफ में तो ऐसे रिवाइंड नहीं होता है, लेकिन अगर रिवाइंड होता
तो अपना लाइफस्टाइल जरूर हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम नौकरी में आए तो दो तीन भ्रांतियाँ जो अक्सर लोगों को होता, और ये मतलब मैं उन लोगों से भी ज़रूर बताऊंगा जो नौकरी में अभी नए आए हैं, बच्चे या लड़के किसी नौकरी में आए हैं, चाहे वो पुलिस सेवा में हो, प्रशासनिक सेवा में हो, चिकित्सा में हो, वगैरह वगैरह। हम लोग अनायास ये समझ बैठते हैं कि ये पूरा सिस्टम मेरे कंधे पर है, और उसके कारण अपना पूरा लाइफस्टाइल जो है, चाहे वो ईटिंग हैबिट्स हो, चाहे आपकी डेली एक्टिविटीज़ हो, बहुत बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो अगर मेरा रिवाइंड हो जाता तो हम अभी महसूस कर पा रहे हैं कि कब से मेरा लाइफस्टाइल ख़राब हुआ। गाहे बगाहे हमको लगने लगा कि शायद सरकार का समस्त दायित्व तो मेरे कंधे पर है, अगर मेरे कंधे कमज़ोर हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, सिस्टम गिर जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, और ये भ्रम सामान्यतः लोग पूरी उम्र पूरे नौकरी के दरमियान पालते हैं, और जब वहाँ से निकलते हैं तब ये भ्रम खत्म होता है, लेकिन तब तक बहुत दूर हो जाता है। तो पहला तो हम लाइफस्टाइल चेंज करते, और दूसरा एक चीज़ जरूर करते कि उसको हालांकि किए भी कुछ हद तक, उसको प्रयास किए कि अपने आप को अपडेट करते, लेकिन हम टाइम को जरूर मैनेज करते कि कौन सा समय मेरे शरीर के लिए हो, कौन सा समय समाज के लिए हो, कौन सा समय परिवार के लिए हो। बच्चों को जितना समय हम दे सकते थे वो हम नहीं दे पाए, इसका अफसोस है मुझे। मेरे माता पिता बहुत जल्दी गुजर गए, पिताजी तो मतलब नौकरी में आए उसके बाद दो तीन साल के बाद ही गुजर गए, और माँ कुछ दिन रही। तो अगर रिवाइंड हो तो एक चीज़ हम जरूर करना चाहेंगे कि हम अपने माता पिता को जितना सेवा कर सकते थे नहीं कर पाए, उस अफसोस के साथ हम आज हैं और इस धरती से भी चले जाएंगे। लेकिन वो जरूर हम ठीक करते, अपना लाइफस्टाइल ठीक करते, स्मोक बहुत करते थे, नॉनवेज बहुत खाते थे, बहुत लाइफस्टाइल खराब था, उसको ठीक करते, और माता पिता के साथ ज़्यादा समय गुजारते, और बच्चों को थोड़ा और ठीक से ब्रिंगिंग अप करते। ये अफसोस रहा हमको। करेक्ट करेक्ट। इनफैक्ट मतलब इससे जुड़ा ही सर जो आप बोल पाए, हम समझ पाए जिस चीज़ को, आप देश की एक सर्वश्रेष्ठ सेवा में थे, है ना। और अगर सर मतलब इस पूरे जीवन को बिताने के बाद आपका पुनर्जन्म हो और आपको पिछले जन्म की सारी बातें याद रहे, है ना, पूर्व जन्म की सारी बातें याद रहे, तो फिर क्या आप इसी आईएएस की तैयारी करना चाहेंगे या किसी दूसरे क्षेत्र में? क्योंकि आपने हर एक तरह के व्यक्ति को नज़दीक से महसूस किया होगा, आपके पास उद्योगपति भी आते होंगे, आपके पास अलग अलग प्राइवेट सेवाओं के होंगे, पॉलिटिशियंस को भी आप जानते हैं, तो आप सिर्फ फिर इसी में आना चाहेंगे या कुछ और करना चाहेंगे? नहीं, अगर वैसे तो ये क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है पुनर्जन्म हो, लेकिन अगर पुनर्जन्म हो तो हम, आपको आश्चर्य लगेगा कि हम एक डॉक्टर होना चाहेंगे। डॉक्टर होना चाहेंगे और डॉक्टर होना चाहेंगे, और डॉक्टर मैंने इस तरह का डॉक्टर नहीं कि नर्सिंग होम खुला, हॉस्पिटल खुला और लोगों से फीस लिए, बहुत कमाए नहीं। डॉक्टर होना चाहेंगे, और जो आम लोगों के सफरिंग्स को देखते हैं तो बहुत दर्द होता है, और चूंकि हम डॉक्टर नहीं है तो उसको कुछ हम कर नहीं सकते, तो या तो वो होना चाहेंगे, और उसके साथ हम उसी के थ्रू हम राजनीति में भी आना चाहेंगे, क्योंकि एक मेरा वो ये भी था। और बदलते हुए दृश्य को जब देखते हैं, आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो राजनीति में जिस तरह का गिरावट हुआ, अब वो फेज हम लोग का निकल गया। तो ये दो चीज़ हमको लगता है कि अगर, और आईएएस तो नहीं बनना चाहेंगे, बहुत तनाव, बहुत स्ट्रेस और बहुत फालतू का काम करना पड़ता है, यद्यपि देश का सर्वश्रेष्ठ सेवा है, लेकिन अब जितने विकृति इसमें आ गई है वो अब लगता है कि पुनर्जन्म में फिर वापस उसी में नहीं है। करेक्ट करेक्ट। सर दो सवाल जो पूछे और दोनों से एक चीज़ निकल के आया, और दोनों स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं वापस मुड़ करके आया। एक में आप डॉक्टर बनना चाहते थे, उसके पहले आपने कहा लाइफ स्टाइल ठीक करना चाहते थे। आजकल सर आपका स्वास्थ्य कैसा रह रहा है? किसी तरह का अनवेल फीलिंग या कुछ ऐसा? उम्र के साथ काफ़ी बीमारियाँ आती भी हैं। हाँ नहीं, अभी तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि एज बढ़ रहा है और उम्र के साथ जो एजिंग होता है वो होता है, तो अदरवाइज तो कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन हम थोड़ा थक जाते हैं और स्ट्रेस भी थोड़ा बहुत रहता ही है, अलग अलग काम करने का, और एंग्जाइटी थोड़ा सा रहता है। एंग्जाइटी ये रहता है कि अब जिस मुकाम पर, उम्र के जिस पड़ाव पर, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम उस हयात में पहुंच गए हैं कि थोड़ा सा एंग्जाइटी लगता है कि जैसे बच्चे अभी हैं तो अभी उसको, उसकी शादी हो जाए, वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, थोड़ा और सफल हो जाए,
वगैरह वगैरह इस तरह का कुछ रहता है जिसके कारण कभी कभी थोड़ा इससे सर ब्लड प्रेशर का थोड़ा इशू आ जाता है। इससे सर आपके स्लीप की जो क्वालिटी है उसमें भी असर थोड़ा असर पड़ जाता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि माने वंस इन ए ब्लू मून आप कर सकते हैं, मतलब रेगुलर नहीं, लेकिन कभी कभी जब रात में नींद टूट जाती है और फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं, तो जीवन तो एक चलचित्र की तरह है, सिनेमा की तरह है, तो इसमें जब फ्लैशबैक में जाते हैं तो जो चीज़ें छूट गई उसके कारण थोड़ा अफसोस होता है और फिर लगता है कि जो समय अभी बचा हुआ है मेरे पास, काम बहुत बचे हुए हैं, बहुत सारा काम बचा हुआ है, बहुत कुछ करना चाहते हैं और अब समाज को इस रफ्तार से देने की प्रक्रिया हमने शुरू की है, अलग अलग तरीके से हम लगे रहते हैं सामाजिक कार्यों में, तो उसके कारण एंग्जाइटी बहुत हो जाती है। जिस दिन एंग्जाइटी होती है उस दिन नींद ठीक से नहीं आती। तो इससे रिलेटेड सर, मतलब इसको अगर थोड़ा जनरलाइज हम करें तो आपने कहा कभी कभी होता है, लेकिन अगर जनरलाइज करें तो फिर नींद की क्वालिटी कैसा होता है? वो लाइट होता है या रिलैक्स रहता है, रेस्टलेस कभी कभी या ड्रीम्स? कभी कभी रेस्टलेस हो जाते हैं, कभी मतलब जिसको लाइट स्लिप भी होता है, कभी कभी लाइट स्लिप हो गया, लेकिन कभी कभी साउंड स्लिप भी होता है, किसी दिन कोई अच्छी घटना हो गई और जिसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में कि वो एक हैप्पी हार्मोन अगर रिलीज होता है उस दिन तो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। अपने खान पान की आदत से आप कितना संतुष्ट हैं सर? खान पान की आदत से इधर मोटे तौर पर ठीक है, पहले तो खान पान का हैबिट्स बहुत अच्छा नहीं रहता था, लेकिन इधर जब से एज बढ़ा और फिर लगा कि अब ये सब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से सुने कि स्वस्थ रहना चाहिए, तो थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी उतना गुड हैबिट तो नहीं है जितना होना चाहिए। एक सामान्य आदमी को शायद उतना कंट्रोल भी नहीं होता कि वो कितना विटामिन ले पाया खाने से या कितना प्रोटीन ले, ये तो नहीं समझ में आता है, ये नहीं समझ में आता। आमतौर पर जैसे डॉक्टर लोग सुने या टीवी में देखे कि भाई फल सब्जी खाना चाहिए, अब कभी कभी उसमें हम बहुत कंसर्न रहते हैं, जैसे फल सब्जी ले भी आए लेकिन हमेशा टीवी में दिखाते रहता है कि फल में कार्बाइड से पका दिया, पेस्टिसाइड से और फर्टिलाइजर बहुत डाल दिया सब्जी में, तो सही पूछिए तो उसमें भी डर लगता है। फल सब्जी खा रहे हैं लेकिन डर लगता है कि ऐसा ना हो कि पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं, तो एक तरह से उड़ेद बूंद में रहते हैं और किसमें कितना विटामिन किसमें कितना प्रोटीन है आमतौर पर नहीं पता चलता है। वर्कआउट वगैरह भी करते हैं सर? नहीं, वर्कआउट तो नहीं कर पाते हैं, थोड़ा कभी कभी आसन प्राणायाम कर लेते हैं, योगा वगैरह। ये ऑफन है रोज का या सप्ताह में? रेगुलर तो नहीं होता है, लेकिन ठंडा में थोड़ा नहीं हुआ था, मौसम ठीक ठाक हो जाता है तो फिर ठीक ठाक कर लेते हैं। ओके, मतलब उसको आप यूं माने कि सप्ताह में महीना में 15-20 दिन कर लेते हैं, 10 दिन नहीं हो पाता है। तो अभी मतलब 15-20 दिन है तो बहुत ज्यादा आप संतुष्ट भी नहीं होंगे कि? नहीं नहीं, बहुत संतुष्ट नहीं है अभी, उसको और थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, अच्छा करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट सर, आफ्टर रिटायरमेंट हम लोगों ने देखा है कि ज़्यादातर जो बहुत क्लोज्ड होते हैं, इनर सर्किल के जो लोग होते हैं वही आसपास रहते हैं, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो आपके बहुत क्लोज होंगे अभी तो, या उसको अगर आप स्पेसिफाई करना चाहें कि वो कौन कौन हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप, बेटा बेटी है? नहीं, मतलब बड़ा विचित्र हो जाता है, जैसे आप नौकरी से हटने के फेज में पोस्ट रिटायरमेंट फेज या तो नौकरी से मुक्त हो गए, हम चाहते तो रह सकते थे, लेकिन उसके बाद सर्किल बड़ा सीमित हो जाता है। जैसे जो दोस्त लोग हमसे उम्र में थोड़े बड़े थे वो सब रिटायर हो गए, अपना अपना कहीं सेटल हो गए और ऑफिस नहीं जाते हैं, इसलिए ऑफिस में एक सर्किल था वो छूट गया, तो सर्किल बड़ा कम हो जाता है, बहुत सीमित हो जाता है। और डिजिटल मीडिया आ गया तो उसमें लगे रहे, तो उधर से कुछ हुआ फोन पा, तो मैंने सोशल सर्किल एक्टिव लाइफ से हटने के बाद बहुत कम हो जाता, मतलब अगर परसेंटेज में बताएं तो 10% बचता है। 10% बचता है, तो उसको मिस करते होंगे? हाँ, उसको तो मिस करते ही हैं उसको, या फिर कभी कभी लगता होगा कि नहीं एक्चुअली वो बहुत क्लोज सर्किल में था भी नहीं, वो बाहर का ही था तभी तो दूर हो गया। हाँ एग्जैक्टली, और जो स्कूल टाइम का दोस्त लोग है तो डिजिटली व्हाट्सएप वगैरह से कनेक्टेड रहते हैं, कभी फोन फान से भी बात होती है, लेकिन ऑफिस के जो सर्किल थे तो बेसिकली तो कोलिग्स थे, तो कोलिग्स तो समय के साथ कुछ रिटायर कर गया, कुछ दूसरे जगह से। कुछ कम्युनिटी वगैरह भी आप बनाए हैं अपना? नहीं, व्हाट्सएप कम्युनिटी तो है लेकिन वो बहुत
प्रोडक्टिव उस टाइप का ने बहुत सारे कम्युनिटी में लोगों ने जोड़ भी दिया है। उसमें ज्यादातर किस तरह की बातें, ज्यादातर पॉलिटिक्स है या कुछ, जैसे कुछ पॉलिटिक्स का व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें खाली पॉलिटिक्स चलता है, कुछ फ्रेंड्स की है तो उसमें हंसी मजाक वाली चलती है। कुछ लोग मैंने जैसे एक व्हाट्सएप में सॉरी फेसबुक में एक कम्युनिटी है सीनियर सिटीजन, तो उसमें सब लोग अपनी समस्या डालते रहते हैं, तो उसमें बहुत इंटरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो इश्यूज को देखने से समझ में आने लगता है कि किस किस एज में क्या क्या इश्यूज रहते हैं, तो सबके बराबर ही रहते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जितना मैं आपको जानता हूँ, मैं पिछले 12-13 वर्षों से जानता हूँ आपको, पोस्ट रिटायरमेंट भी आप खाली बैठने वालों में से तो नहीं है, आप कुछ ना कुछ आपने अपना ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप जानकारी देना चाहें। हाँ बिल्कुल, देखिए जब हमको इस बात का अंदाजा था रहता है, जैसे आप जॉब में हैं चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसका एक दिन उसके अंतिम आने का एक फेज आता है, एक समय आता है जब उस नौकरी से आप अलग हो जाते हैं, और जिस नौकरी में हम रहे उस नौकरी में बहुत हैवी इंगेजमेंट, इंटेंस इंगेजमेंट होता है और इंटेंस एक्टिविटी होती है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऑन एन एवरेज दिन भर में 100-200 फोन कॉल्स आ सकते हैं, 100 लोग से के आसपास 50 आदमी से ज़्यादा आपसे मिलने वाले लोग रहेंगे, तो वो सारा चित्र हमको लगता था कि थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। तो पहली तो हम नौकरी में भी ये स्थिति रखे कि बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं चोला उड़ के नहीं चलते थे, जब हम ऑफिस से निकल जाते थे तो हम आई यूज टू इंश्योर दैट आई शुड बिहेव लाइक ए कॉमन मैन, तो गाड़ी उड़ी छोड़ देते थे, कभी ऑटो से निकल गए कभी पैदल भी निकल गए, तो थोड़ा स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। और उसके बाद से फिर हमने कुछ एक्टिविटी शुरू की, जैसे एक यूट्यूब चैनल बनाए हैं, यूट्यूब चैनल से मेरा पर्पस था कि लोगों को एजुकेट करें सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल हेल्थ से ये रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड चीज़ों को शेयर करते हैं, प्लस पढ़ने लिखने की आदत रहती है, तो वो है अभी धर्म एक किताब लिखने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पर एक बुक वगैरह लिखा जाए, तो इसी में थोड़ा एंगेज रहते हैं। और वेरी गुड, वंडरफुल सर, दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग, है ना, हम जैसे लोगों के लिए भी जो अभी 40s में हैं उनके लिए भी ये इंस्पायरिंग है कि 60 के बाद भी आप बहुत सारे एक्टिव काम करना चाह रहे हैं, है ना। सर पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि हमारी आदतें तो उस तरह की बन चुकी होती हैं, लेकिन जो पैसा आ रहा होता है वो कम हो जाता है। Exactly. तो अभी के समय में आप अपने फाइनेंशियल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे होंगे किसी न किसी तरह से। हाँ बिल्कुल, ये तो होता ही है, मैंने दो तरह से फाइनेंशियल हेल्थ पर एडवर्स असर पड़ता है, पहला तो आपकी सैलरी आधी हो जाएगी, दूसरा कि जो पोस्ट के साथ जो पर्क्स और एमिनिटीज होती है फैसिलिटीज होती है वो अचानक विड्रॉ हो जाती है। जैसे हम लोगों के जिस लेवल पर हम थे सेक्रेटरी लेवल पर, तो सेक्रेटरी लेवल पर गाड़ी है, गार्ड है, प्यून है, ऑफिस है, इंटरनेट की सुविधा है, फ़ोन है, अटेंडेंस के लिए अटेंडेंट हाउस अटेंडेंट का हम लोग को मिल जाता था, मेडिकल का रीइंबर्समेंट कंप्लीट वैसे तो अभी भी है, ऑल इंडिया सर्विसेज में CGHS का प्लान रहता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारी एमिनिटीज, बहुत सारी फैसिलिटीज थी जो ख़त्म हो जाती है और सैलरी आधा हो जाता है, तो उसमें होता है। और ज़रूर हम सोच रहे थे कि इसको कैसे कोप किया जाए, तो उसके बारे में तो कंसर्न रहता ही है कि थोड़ा फाइनेंस चैलेंज हो जाता है, कैसे थोड़ा बढ़ जाए, एटलीस्ट जहाँ छोड़े थे वहाँ तक आ जाए, तो आप इसको और बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के। एट टाइम्स सर समय समय पर देखेंगे, हम लोग देखते हैं, आप बता भी रहे थे मुझे कि कभी कभी एंजाइटी फील होता है, तो अलग अलग इमोशंस में लोग आ जाते हैं, कभी कभी छोटा छोटा इमोशन एकाएक ट्रिगर कर जाता है, कभी आप किसी चीज़ को याद करके उदास हो जाएंगे, कभी किसी चीज़ को याद करके खुशी टाइप का महसूस होने लगता है, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिसको याद करके एकाएक लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बहुत गड़बड़ हुआ, ये कुछ और तरीके से होता तो। हाँ ये बिल्कुल, ये इमोशन ट्रिगर करता है आपको। इनफैक्ट इस तरह क्वेश्चन आज तक किसी से पूछा नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल होता है ट्रिगर। जैसे सबसे पहले तो माता पिता, एक तो माँ के फादर के बहुत अर्ली डेथ के बाद वो हमको इमोशंस बार बार ट्रिगर कर जाता है, और हमारे फादर ने बहुत सेक्रीफाइस किए, हमारी मदर ने भी, फादर बहुत संघर्ष किए और उनकी इच्छा थी कि हम IAS बन जाए, लेकिन जब हम नौकरी में आए तो उसके तुरंत बाद शादी के बाद फादर का डेथ हो गया, तो उनको हम
वो उनको वो फील नहीं करा पाया। फिर मदर भी चूँकि नौकरी में भी आए तो शुरुआती दौर में इतना ख़राब जगह पोस्टिंग कर दिया कि वहाँ मदर को नहीं ले जा सकते, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ख़राब था। फिर जब मदर को ले आए, फिर कुछ और कुछ दायित्व थे, हमारी सिस्टर की शादी थी और कुछ घर में और इकोनॉमिक फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, उन लोग को ठीक ठाक करते करते गांव में भी सारे हमारे जॉइंट फैमिली में थे तो मदर वहाँ चली जाती थी बार बार, तो वो एंग्जाइटी अचानक से ट्रिगर कर जाता है। कभी कभी हम अपने आप को गिल्टी भी फील करने लगते हैं और हमको लगता है इस तरह के मोमेंट जब आते हैं तो आप कैसे उससे कोप अप कैसे करते हैं? हर एक आदमी का अलग मैकेनिज्म होता है ना? हाँ, है ना, तो आप कैसे उससे कोप अप करते हैं? कोप अप ऐसे या विद टाइम वो धीरे धीरे खुद सबसाइड हो जाता है? धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। उस दिन बड़ा दुखी रहते हैं, उस दिन मोटे तौर पर बहुत अच्छा नहीं गुजरता है, या तो छत उत पर चले गए घूमने लगे कंप्लीट अनवेल टाइप से, या फिर पूरा दिन यूं ही निकल जाएगा। फिर कभी कोशिश करते हैं कोई मतलब कॉमेडी वाला कोई पिक्चर देख लें या कोई सोशल मीडिया में कुछ चुटकुला टाइप चीज देख लें, तो दिन बहुत दुखी हो जाता है। और कभी कभी इमोशंस ट्रिगर होता है जब कोई अच्छी चीजें हुई थी, जैसे लाइफ में बहुत ऐसे डिसीजंस लिए, बहुत लोगों को हेल्प की। जैसे कभी कभी घूमते फिरते, अब यहीं पटना में एक सिविल जज है, तो एक दिन अपने सिस्टर के साथ वो आया और मेरा पैर छूकर प्रणाम किया, तो हम बड़ा आश्चर्यचकित हो गए, कौन है भाई, आपको नहीं पहचाने। बोला कि हम यहाँ पर तो पटना में हम सिविल जज हैं, SDGM ACGM उस वक़्त थे। तो हम बोले कि मैंने आप क्यों आए हैं? तो बोले कि सर आप हमको नहीं पहचानते हैं, जब आप जमशेदपुर मूसावनी में पोस्टेड थे तो उस वक़्त आपका रुतबा और आपका काम करने का स्टाइल देखते थे तो लोग बड़ी प्रेरित होते थे, बड़े गरीब घर के थे, उनके सिस्टर को हम कुछ मदद भी किए थे, मतलब कुछ कानूनी तौर पर और कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी हम मदद किए थे। तो वही बोले कि मेरा भाई उस वक्त से बोलता था आपको आइडियल मान लिया कि इन्हीं की तरह हम भी ऑफिसर बने, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, फिर भूल गए, बहुत दिन हो गया। आपको लगता है कि करीब 25 साल के बाद, 20 साल के लगभग 25 साल हो गया, 94-95 की घटना थी वहाँ। फिर आया तो बड़ा अच्छा लगा, फिर उस लड़के से बात की, बोला कि सर उसी समय से आपको आइडियल मान करके चलते थे। तो ऐसे बहुत वाकया हुए और जिन जिन लोगों को मदद किए, याद है मूसावनी में एक ट्राइबल लड़की थी, वो हैंडीकैप थी, फिजिकली चैलेंज थी, तो आई थी अपनी माँ के साथ कुछ स्कीम का मदद लेने के लिए, उसमें कर पेंशन वगैरह की योजना थी, तो वो सब तो खैर हम कर ही दिए। इस लड़की को पूछे तुम क्या करना चाहती हो, हीरा वाला किसको उसका नाम है, अगर कहीं ये वीडियो देखेगी तो उसको याद पड़ जाएगा। तो उस लड़की को फिर हम अपने अपने पर्स से उसको कुछ मदद किया, उसको कंप्यूटर पढ़ने के लिए हम प्रेरित किए, उस वक्त कंप्यूटर बहुत कम पढ़ता और उसका कोर्स कर लिया। और उस लड़की को वहीं पर भारत सरकार की कंपनी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL जादूगढ़, उसमें उसकी सर्विस लग गई। फिर वो अखबार में छपा, हम कहीं दूसरे जगह पोस्टेड थे, तो बड़ी खुशी हुई उस वक्त कि इस तरह से कुछ मोमेंट्स आए। तो लाइफ इज ऑल अबाउट राइट। करेक्ट करेक्ट सर, आप अभी 60 के पूरे हुए हैं एंड मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा 80-85 तक तो लोग अब एक्टिव लाइफ जीते हैं, आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, सब कुछ रहे। तो अगर मैं पूछूं कि अगले 20 साल के लिए कोई एक पर्पस तो लाइफ का होगा, विदाउट पर्पस तो जीवन आगे बढ़ेगा नहीं, क्या लगता है अभी के समय में आपका पर्पस क्या है, व्हाट डू यू फील? ये तो प्रश्न बड़ा, या अभी इस बारे में कुछ सोचे नहीं? मिश्रित भाव है, इसको आप कहिए कि कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में तो नहीं सोचे हैं, लेकिन कुछ पीसमील में इसके बारे में जरूर करते हैं। इनफैक्ट आपको एक चीज बताएं कि हम एक वीडियो देख रहे थे जो US की किसी महिला का, या वो जिसने बनाया था वीडियो, कुछ 90+ महिला और पुरुष का उसने कुछ वीडियो दिखाया, उसमें एक लेडी और एक जेंट्स का सुन रहे थे। तो दैट लेडी वॉज 94 years old और वो जेंट्स जो कोई दूसरा अलग था वो करीब 96-97 years old था। तो उस लड़के ने जो वीडियो बना रहा था उससे पूछा कि आप इतने यंग, इतने हेल्दी और इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? मतलब उस समय वो हालांकि यूरोप में और US वगैरह में स्टाइल भी थोड़ा है, गॉगल्स वगैरह लगा के खूब अच्छा से चल रही। तो उस लेडी ने 2-3 चीज कहा जो उनको बड़ा अच्छा लगा। वो लेडी ने कहा कि फर्स्ट थिंग, एज इज जस्ट ए नंबर, उम्र एक संख्या है, तो आप अगर उसको काउंट करिएगा तो वो काउंट होगा, नहीं काउंट कीजिएगा तो नहीं काउंट होगा। सेकंड, कि यू नीड टू हैव ए पर्पस इन योर लाइफ, अगर आपके लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो फिर लॉन्गिविटी आपको नहीं होगी, खुश नहीं रह पाएगा।
और तीसरा कि मेक फन, मतलब खुश खुश रहिए, घूमिए फिरिए, अपने आपका जो इंटरेस्ट है उसको परसू कीजिए। तो वो हमको बड़ा अच्छा लगा, और पहले से भी थोड़ा था लेकिन नहीं हो पाता था, तो आप अपने इंटरेस्ट को भी परसू कर रहे हैं। हालांकि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बनाया कि क्या करना है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मन में एक भाव जरूर आता है कि अगर मैंने लगभग 34 साल की नौकरी, 33 साल से ज़्यादा की मेरी नौकरी रही, अलग अलग फील्ड में जितने वाइड एक्सपीरियंसेस हमको हुए, तो उस एक्सपीरियंस को सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि कोई हम बहुत बड़े कोई स्मार खान थे और बहुत बड़े स्टेट्समैन या बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट, इसलिए नहीं, बल्कि जो जो चीज़ हम सीखे, अनुभव किए, उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, किसी को और अदरवाइज कोई कठिनाई है तो हेल्प करना चाहते हैं, बट बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं अभी है, लेकिन उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे स्ट्रक्चर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक सोशल पर्पस के कह सकते हैं, जो आपका पर्सनल है ना। पर्पस तो बहुत ही ब्रॉड फील्ड होता है, जैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए, ये भी आपका एक पर्पस होगा, है ना। वो तो बिल्कुल फैमिली का वो है कि बच्चे अपने खड़ा हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए, तो लोग सफल हो जाए, वो भी आपका एक उद्देश्य है जिसकी पूर्ति आप जरूर आने वाले 2-4 वर्षों में करना चाहेंगे। मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा सर, कि ऐसा जीवन में कोई एक ऐसा चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश कर दे, मतलब आपको अगर कोई व्यक्ति आए और वो आपको सबसे अधिक खुशी प्रदान करे, ऐसा क्या करे आपके लिए कि वो आप सबसे ज्यादा खुश हो जाएगी, कोई एक ऐसी चीज जो आपके अंदर सबसे ज्यादा खुशी लेकर के आ जाएगी। बहुत वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब इस तरह का क्वेश्चन हमसे किसी ने आज तक पूछा नहीं। तो सबसे पहले तो खुशी इसी बात से मिल रही है कि कोई व्यक्ति हमसे ये पूछ रहा है कि आप खुश होने के लिए क्या करना क्या करना चाहते हैं। तो सही पूछिए तो पूरे लाइफ में इतना भाग दौड़ है कि किसी को क्या मतलब है किसी से, तो ये तो सबसे अच्छा यही लगता है कि कोई बैठे बातचीत करे। और आप सही पूछिए तो हमको खुशी इस चीज़ से मिलेगी कि हम किसी को मदद करें या करना चाहें और उसको मदद करें और वो सफल हो जाए। मैं इसी जवाब की उम्मीद भी कर रहा था, क्योंकि मैं 13 वर्षों से हूँ साथ में, और मैंने आपको देखा है कि कोविड के समय में आप किस तरह से एक एक व्यक्ति की मदद कर रहे थे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आप अपने सिस्टम की इसमें सहायता ले रहे हो, लोगों तक दवा पहुंच जाए, टीका पहुंच जाए, और पैसों से भी मदद कर रहे थे। तो मुझे मालूम था कि ये जवाब आना है सामने से, लोगों को मदद करना और उस मदद को पूरा होते देखना, उसका फल मिलते देखना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है, राइट। मैं सर अगर पूछना चाहूँ, है ना, हालांकि ये मेरा जोन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगले 1 साल में आपके top 3 गोल क्या हो सकते हैं। अगले 1 साल में 3 top goal में, मतलब इसमें पर्सनल, एक तो आपने YouTube चैनल खोला है, हाँ, तो उसमें है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एग्जैक्टली, वो एक तो बहुत बड़ा गोल है कि उसको उसकी रीच को बढ़ा दे, ताकि ज्यादा लोगों के पास हम पहुंच पाए और उसको हेल्प करें। पहला तो यही है। दूसरा है कि कुछ लोगों को हमने चुना है कि जिसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें सेलेक्टेड 10-15 लोग हैं, उनको हेल्प करके मेरा 1 साल का लक्ष्य है कि 1 साल में वो लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाए। और तीसरा गोल तो मतलब ये है कि हम एक पूरी सेटअप क्रिएट करना चाहते हैं, आप इसको आप ऐसा समझिए कि हम एक पूरा सेटअप क्रिएट करना चाहते हैं कि हम फिजिकली अपने घर में कम से कम 100 बच्चों को, चाहे किसी उम्र के बच्चों, अगर कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसके दृष्टिकोण से, या स्कूल कॉलेज में हो तो वो, और मतलब 100 बच्चे को कम से कम हम महीने में हमारे घर पर अलग अलग, मतलब हो तो वो संख्या बढ़ करके 500-1000 हो सकता है, उसको उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे, उसको इंस्पायर और मोटिवेट करना चाहेंगे। राइट, एक अलग कार्यक्रम भी हम चलाने के बारे में सोच रहे हैं, अभी वो हो नहीं पाए, वो 1 साल में वो भी एक मेरा लक्ष्य है कि अलग अलग स्कूल में जाकर के, बहुत पिछड़े इलाकों में स्कूल में जाकर के 10th, 11th और 12th के बच्चों को थोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इंडियन पॉलिटी कैसे सिस्टम काम करता है उसके बारे में, अर्थव्यवस्था क्या है, सिविल सर्विसेज क्या है, उसके कैरियर के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये मेरा 1 साल का लक्ष्य है।
कोई ऐसा चीज है सर जो आपको लगता हो कि ये काश तुरंत हो जाता लेकिन फाइनेंस के कारण नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा बकेट लिस्ट में कोई ऐसा चीज है जो आप तुरंत बदल देना चाहते हो लेकिन अभी आप कर नहीं पा रहे और उसके कारण आप वरीड हो? अभी वही है, जैसे एक तो चैनल बनाया है तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडियो हो जाए, एक इनफैक्ट आपने अच्छी चीज कही, मेरे पास अगर थोड़ा फाइनेंस ठीक ठाक होता तो मेरे पास 2-3-4 लड़कों की टीम हम बनाना चाहते हैं और एक कुछ किताब लिखना चाहते हैं। तो वो मेरे पास बहुत आइडिया है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स नहीं है। कुछ लड़के, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानकार लड़के हों, कुछ अच्छे से टाइप कर दे वैसे लड़के हों, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म को एडिटिंग करके वो कर सके। तो 4-5 लड़कों को हायर करके एक स्टूडियो मेरे पास रहता, लॉजिस्टिक्स रहता, तो हम इसको करना चाहते हैं अगर ये फाइनेंस हमको सपोर्ट करता तो। राइट, क्योंकि अभी जो भी कर रहे हैं हम अपने मैंने अपने पेंशन के पैसे से कर रहे हैं, जो भी मेरे पास थोड़ी बहुत पैसे बचे हैं उसके आधार पर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, आपने आज जितनी बातें मैंने आपसे की हैं आई थिंक कि आप इस बात से सहमत होंगे कि आप जो करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, उसमें लगातार आपका स्वस्थ बने रहना ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा, है ना? हाँ, क्योंकि आप इस बात से सहमत होंगे कि जब जब आपका स्वास्थ्य थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आप अपने गोल से और आप जो करना चाहते हैं, जो समाज को देना चाहते हैं, उससे दूर होते चले जाएंगे। हाँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं। स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपने ही बारे में सोचेंगे कि इतनी चीज कहाँ, अभी हम चूंकि स्वस्थ है इसलिए ये चीज सोच रहे हैं। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे यूट्यूब चैनल चलेगा, किसको पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो अपने ही में लगे रहेगा। करेक्ट करेक्ट सर, मैं आपसे जब बात कर रहा था मुझे एक व्यक्ति की याद आ गई, एकाएक, और मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। वो मेरे क्लाइंट है एंड अभी उनकी उम्र 83 ईयर्स है और उन जिस तरह का एक्टिव लाइफ वो लीड कर रहे हैं आप उनको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनफैक्ट आपने उनका नाम भी सुना होगा, गोरेलाल यादव। हाँ, नहीं नहीं, गोरेलाल यादव, हम जब नौकरी शुरू किए थे तो ही वाज माय कलेक्टर। जी जी, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। तो एट द एज ऑफ 80-83 वो मधेपुरा, दिल्ली और हर एक जगहों पर जाकर के सेमिनार भी कर रहे हैं, लोगों को प्रभावित भी कर रहे हैं, एक बहुत ही एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं। और कुछ इसी तरह की स्वास्थ्य चुनौतियों से वह भी गुजर रहे थे सर, है ना? तो मैंने उनको एक छोटा सा बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट बताया जिससे उनके शरीर का जो कंपोजिशन है उसके बारे में उनको एक बेसिक जानकारी मिल सके। आज आपसे बात करने के क्रम में मुझे लगा कि आप अवेयर तो बहुत हैं लेकिन क्या आप अपने बॉडी के कंपोजिशन को अलग अलग जानने के लिए एक और सेशन मेरे साथ करना चाहेंगे? पहले तो ये बॉडी कंपोजिशन टेस्ट का यही हमको नहीं पता है। आमतौर पर तो हम यही सोचते हैं कि जैसे हम लोग टेस्ट कराए, मैंने ये कोई अगर उस तरह का टेस्ट है क्या जैसा हम लोग टेस्ट कराते हैं लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, तो यही जानते हैं। लेकिन ये तो पहली बार नाम सुने कि कोई बॉडी कंपोजिशन टेस्ट, अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से चाहेंगे, निश्चित रूप से करना चाहेंगे। बिल्कुल, उस पर कुछ नहीं सर, आपके पास हम एक मशीन लेकर के आएंगे, उस मशीन की मदद से आपके शरीर के अलग अलग फैक्टर्स को हम लोग उससे जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगा तो फिर एडवांस टेस्ट की तरफ हम लोग जाएंगे, अदरवाइज वहीं पर बात खत्म हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? थैंक यू सो मच सर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस पूरे सेशन को और इस पूरे सेशन में हम लोगों ने जिन फैक्टर्स पे बात किया, आप देखिए मेरे हाथ में ये आइडेंटिफायर टूलकिट है ना, आपको बातचीत के क्रम में लग रहा होगा ये सीधे स्वास्थ्य के बारे में पूछ करके नहीं, पूछ करके ये पर्पस क्यों पूछ रहे हैं, ये उनके गोल्स के बारे में क्यों पूछ रहे हैं और इन सारी चीजों के बारे में। एक्चुअली मैंने इसको 3 अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ था, एक लाइफ पर्पस इनका क्या है, दूसरा इनकी हेल्थ नीड्स क्या है, और तीसरा इनके हेल्थ एस्पिरेशंस के लिए नियर फ्यूचर में क्या क्या गोल्स हो सकते हैं, है ना? मैं इनको ओवरऑल समझ पाया और इनसे बात करने के क्रम में मुझे क्या समझ में आया, ये एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं लेकिन अभी भी इनके लाइफ का पर्पस बचा हुआ है और उस लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के क्रम में स्वास्थ्य इनकी कैसे मदद कर सकता है स्वस्थ रहना, वो मैंने लास्ट में एस्टेब्लिश किया। बिल्कुल एक लाइन में मैंने कहा कि स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इस बात से हर एक व्यक्ति सहमत होता है। अभी मैंने ना इनको कोई सप्लीमेंट बताया है, मैंने ना इनको किसी प्रोग्राम के बारे में बताया है, मैंने इनको सिर्फ इतना ही बताया है कि आपके बॉडी के कंपोजिशन की हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसके लिए 15 मिनट का एक सेशन और करेंगे। अगली बार जब कभी मैं इनके यहाँ जाऊँगा, इनसे अपॉइंटमेंट लेकर के एक मशीन लेकर के जाऊँगा उमरॉन की और इनके बॉडी कंपोजिशन को निकाल लूँगा,
आपको मालूम है कि उस बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस में टोटल 6 चीज़ें निकलती हैं। आप इनके BMI को जान जाते हैं, आप इनके फैट परसेंटेज को जान जाते हैं, आप इनके विसरल फैट को जान जाते हैं, आप इनके मसल मास को जान जाते हैं, आप वेस्ट टू हिप रेशियो निकाल सकते हैं अलग से टेप के माध्यम से, और फाइनली इनके बॉडी एज को जान जाते हैं। और उसमें से कोई भी एक चीज़ गड़बड़ होगी तो फिर ये खुद अलर्ट होंगे और आप जो भी प्रोग्राम इनको सजेस्ट करेंगे वो इसको ले लेंगे, है ना। बहुत अच्छा लगा, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।